साबिक एमएलए और साबिक मेयर शेख रशीद साहब की 40 साल सियासी कारकर्दगी का एतराफ करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव की जानिब से 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दरमियान अलग अलग प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। 14 अक्टूबर को रियासत के अपोजिशन लीडर अजीत दादा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडरान की हाजिरी में शेख रशीद साहब का इस्तकबाल किया जाएगा। शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो नेता है और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं शेख रशीद साहब को चाहने वाले हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर के कार्यकर्ता, शहर की आवाम, अलग अलग फील्डों के लोग शेख रशीद साहब के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं, तैयारी जारी है, बहुत जोश है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर होने की हैसियत से कमेटी के जिम्मेदारान ने मुझसे बातचीत की और कहा कि अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ तक लाया, अब यहाँ से ये प्रोग्राम को आप हमारे साथ मिलकर संभालिए और आगे तक लेकर जाइए। और आपने देखा कुछ दिनों से मैं भी फील्ड के ऊपर आया हूँ। बहरहाल अजीत दादा पवार साहब, 14 अक्टूबर को अजीत दादा पवार साहब का आना बिल्कुल तय है। जयंत पाटिल साहब का, जो महाराष्ट्र के सदर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका भी आना बिल्कुल तय है। डिपोडी स्पीकर असेंबली के, विधानसभा के चिरवाड़ साहब, उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। और नासिक ज़िले के एनसीपी के एमएलएस, उन लोगों से भी मेरा फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है। मैं एक दो दिन के अंदर उनको जाकर मुलाकात करूँगा कमेटी के जिम्मेदारान के साथ में और उनको भी हम दावत देने वाले के प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। आज आप लोगों को कमेटी के जिम्मेदारान ने और हम लोगों ने इसलिए याद किया है कि इरफान अली साहब ने आपको बताया मुख्तसर में, हारून अहमद अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, सब्बीर सेठ, निहाल अहमद साहब, उनके बाद में अगर सियासी सफ़र अगर 40 साल का निहाल अहमद साहब के बाद में अगर किसने तय किया है और कामयाब तय किया है, जो शहर के विकास, शहर के डेवलप और शहर के गरीबों को, शहर के अमीरों को, शहर के बुनकरों को, हर तबके को साथ में लेकर चलकर आज तक शेख रशीद साहब ने 40 साल कामयाब अपने सफ़र तय किया। और कमेटी ने, जिम्मेदारान ने ये फैसला किया कि उनका आलीशान इस्तकबाल शहर की आवाम की जानिब से शहरी इस्तकबाल होना चाहिए। वो 14 अक्टूबर को बड़ा प्रोग्राम जो संतोष साइजिंग के पीछे नूरबाग चौक में, नूरबाग ग्राउंड में होने जा रहा है, मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से शहर की आवाम से अपील करता हूं कि तारीखी बनाने के लिए, इस्तकबालिया प्रोग्राम को तारीखी बनाने के लिए अपना वक्त निकाल कर आप लोग वहां पर शामिल रहे और शेख रशीद साहब का हौसला बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करें। उसी के साथ साथ जो कमेटी ने 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हफ्ता मनाने का जो फैसला किया, जश्न मनाने का, जो जुमा के दिन से उसकी शुरुआत ये सामने दगड़ो आयल मिल, राष्ट्रपति भवन के सामने से होने जा रही है, मैं आप लोगों से, असल में आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, तमाम ही यूट्यूब चैनल के नुमाइंदे हो या प्रिंट मीडिया के हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों इस 7 दिन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, इसको कवर करने के लिए आप लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करें, आप लोग शामिल रहे और कवर करने की कोशिश करें। दोपहर 4 बजे से यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से शुरू जो प्रोग्राम होने वाला है, रात 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम जुमा के दिन पहला दिन चलने वाला है अलग अलग इलाकों में, उसकी तफसील अभी आप लोगों के सामने बताई जाएगी।
आप और तमाम ही अखबारात के नुमाइंदे जो है, डेली पेपर निकलता है, वीकली निकलता है, हफ्तेवारी, आप लोग इसको कवर करने की कोशिश करें। ये कोई एक पार्टी का या शहर का सिर्फ एक लीडर का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम को हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी तनाज़ा इस प्रोग्राम के अंदर ना हो, ना इख्तिलाफ सामने आए शहर की आवाम, कोई भी सियासी पार्टी इसके अंदर इख्तिलाफ ना करे। ठीक है, हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां ही शहर के अंदर सियासत करती है, लेकिन चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, कहीं ना कहीं सब लोगों का हिस्सा इस शहर को बनाने में लगा हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मुखालफत नहीं होना चाहिए, ये इत्तेहाद के साथ प्रोग्राम होना चाहिए। अगर शहर के दूसरे लीडरान अगर उनकी खिदमत करना चाहते वो भी करें, हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे। एक मैसेज, एक अच्छा परंपरा ये शहर के अंदर होना चाहिए। न्याल अहमद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ तो किसने मुखालफत नहीं की, और लीडरान का होता है तो कोई कभी मुखालफत में सामने नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है। परंपरा हमारे शहर की, हमारे शहर की तहजीब, हमारा कल्चर बरकरार रहना चाहिए। हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हम लोग सामने आमने इलेक्शन लड़ते हैं, हार और जीत होती है, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम सब लोग, अपोजिशन के लोग भी आवाम के काम करने के, आवाम की खिदमत के लिए लग जाते हैं, और जो चुन के आता है वो भी खिदमत करता है, और उसके बाद फिर इलेक्शन आता, फिर सामने होते। तो ये हमारी तहजीब है, ये कल्चर है, ये कल्चर को, तहजीब को, ये शहर को बरकरार ये शहर में रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेटी की तरफ से, मेरी पर्सनल राय मशवरा है शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों को, इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस प्रोग्राम को कवर करें, और 7 दिन शेख रशीद साहब के साथ आप लोग प्रोग्राम को कवर करते रहे, और एक अच्छा प्रोग्राम और एक समाजी प्रोग्राम तरतीब दिया गया जो मैं अभी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो समाजी प्रोग्राम है, हर वर्करों ने अपने अपने तौर पर जश्न के नाम पर कहीं ना कहीं गरीब आवाम को कहीं ना कहीं अच्छा फैसला किया, कुछ ना कुछ तकसीम करने वाले हैं। तो एक समाजी प्रोग्राम को लेकर हम चल रहे हैं। ये अलग बात है कि शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हैं तो वो नाम तो रहने ही वाला है, वो हम खत्म नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक अच्छा प्रोग्राम है, परंपरा होना चाहिए, जो भी लीडरानी शहर में खिदमत करे उसका इतराफ होना चाहिए, ये तहजीब हमारी होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर के अंदर आपको कुछ बोलना है तो एक एक दो दो। काफ़ी मीटिंग आप लोगों ने अटेंड किया है, जैसे शकील भाई ने बताया कि 7 दिन का जो प्रोग्राम है, 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, वो प्रोग्राम जो है अल्लाह के करम से शहर में हमारे बड़े बड़े लीडर शेख रशीद साहब से पहले जो सीनियर रहे, हारून अंसारी साहब, न्याल अहमद साहब, सतबीर सेठ साहब, उनके बाद अगर शहर में काम सबसे बड़ा, सबसे बड़ी अगर तारीखी कोई इनिंग खेले और सबसे ज़्यादा काम करने का अगर जाल बिछा है, ऐसा मेरा अपना मानना है, वो शेख रशीद साहब है, और शेख रशीद साहब ने किए उनका हक है। इसके लिए जो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है जो 7 से 14 अक्टूबर तक, इंशाल्लाह जो उनका अपना जो उन्होंने किए शहर की खिदमत, वो उनका उसका उनका अपना मेहनत अपना उनका फल है जो उनको शहर देगा इंशाल्लाह, और वैसा तारीखी प्रोग्राम होगा। इतना ही मेरा अपना बोलना है, और आपके चैनल के माध्यम, आप लोगों के माध्यम कि आप लोग 14 अक्टूबर तक जैसे आप अभी तक आप लोग चल रहे हैं, ऐसे आगे तक इंशाल्लाह आप चलेंगे हमारे साथ ता मुकाम तक। इतना ही मेरा अपना बोलना है। और हमारे दरमियान में हमने आसिफ बेग को आज हमने उनको बुलाया कमेटी ने, और कमेटी के जिम्मेदार होने नाते हमने इसके लिए शेख आसिफ साहब को दावत दिया, और उनसे जो भी गुफ्तगू करना है आप लोग कर सकते। इतना ही मेरा अपना बोलना है। अस्सलाम वालेकुम।